राजधानी देहरादून के डोईवाला की मारखम ग्रैंड ग्राम पंचायत में करोड़ों की योजनाओं से ट्यूबवेल और नई पाइपलाइनें बिछाए जाने का कार्य किया गया है, लेकिन इस योजना से ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कार्य में हो रही विभाग की लापरवाही इन ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण बूंद बूंद पानी फंस रहे हैं। साथ ही परेशान ग्रामीण ग्राम प्रधान अमरजीत कौर और पूर्व ग्राम प्रधान परमेंद्र सिंह के नेतृत्व में जल निगम से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की समस्या को लगातार अनदेखा कर रहे हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। पानी को लेकर बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पर हो रही है। पहले हमारे यहाँ एक ट्यूबवेल था और वो कम से कम 5-6 किलोमीटर आबादी को सिंचित करता था, लेकिन अब उसके बावजूद 3 ट्यूबवेल हो गए हैं। 3 ट्यूबवेल होने के बावजूद भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। वार्ड नंबर 8 में पानी की इतनी समस्या है कि आज गांव वाले सारे इकट्ठे होकर मेरे घर पे आए थे। मैंने एक्सएम मैडम से बात करी, उसके बाद जेई मैडम से बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको जल्दी निपटाएंगे इस समस्या को, लेकिन कई दिन से मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ, हमें यही जवाब मिलता है कि जल्दी आपका कार्य निपट जाएगा। कलेक्शन लगा हुआ, घर पे पानी नहीं है, बच्चे परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे पानी लेने जावे, जानवर पाल रखे हैं, गाय भैंस, तो घर में करे काम, पानी भरने जाए, हैंडपंप भी नहीं है मोहल्ले में, घर में और पानी भी नहीं, बहुत परेशान है हमको। बस फोन करते हैं उन्हें, अंजलि पवार जो है हमारी पेयजल की, वो बोलती है मैं आज करवा रही कल करवा रही, रोज बोल बोल के हम परेशान है, कहते कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम जब से हमारा नया कनेक्शन हुआ है दो दो कनेक्शन जोड़ दिए गए नीचे से भी और ऊपर से भी, लेकिन हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है और ना ही हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले वाले सारे परेशान है।